क्या तो गाइस सुबह उठ चुका हूँ, अभी जा रहा हूँ ओल्ड गोवा। आज ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा, जो मेन चीज़ होगा वही दिखाऊंगा, उसी का व्लॉग करूँगा, उसका प्राइस बताऊँगा, तो वीडियो पे बने रहे, बाय। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं बाइक से, जा रहे हैं ओल्ड मनाली बेटा। गाइस हम लोग निकल चुके हैं अपने फ्लैट से, अभी जा रहे हैं ओल्ड गोवा। वहाँ का क्या सीन है, क्या फेमस है, वो आप सबको दिखाऊँगा, वीडियो पर बने रहे। तो गाइस हम लोग ओल्ड गोवा आ चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा बहुत एक सीनरी था, दो चीज़ है घूमने लायक। एक है जिसमें 500 साल पुराना बॉडी रखा हुआ है और एक है चर्च जिसमें 500 या 1000 साल पुराने वो सब म्यूज़ियम टाइप के, जिसमें म्यूज़ियम में सारे सामान रहते हैं वो है। तो चलिए अंदर चलते हैं, दिखाते हैं। ये है जो म्यूज़ियम बताया था और ये है ओल्ड जिससे 500 साल बॉडी है, देखते हैं कैसा बॉडी है, लेट्स गो। एक ये म्यूज़ियम जो है चर्च म्यूज़ियम, इसमें 20 रुपये एंट्री फीस लगता है। यहाँ पे पार्किंग जो है बाइक की फ्री है, उधर लगा दिया है। और ये जो है ये एंट्री फ्री है, ये अंदर से आपको दिखाता हूँ। तो यही है गाइस ये पुराना मॉन्यूमेंट, इसमें 500 साल पुराना बॉडी रखा हुआ है। फोटोग्राफी मना है लेकिन छुप छुप के कर ही लूँगा। इस जगह का जो नाम है वो है वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट। ये आपको ओल्ड गोवा में एंट्री जैसे करोगे उधर ही मिल जाएगा, तो याद रखना वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट। ये एंट्रेंस है इधर का, इधर एंट्रेंस है, इधर एग्जिट है। चलो चलते हैं, देखते हैं अगर कैमरा अलाउड होगा तो वीडियो लेंगे, नहीं तो फिर चुप चुप के। चलो तो गाइस एकदम एनाबेल वाला फील आ रहा है, क्या बताऊँ, मतलब अच्छा लग रहा है। और चुपके चुपके वीडियो ले लिया मैंने, 500 साल जिसमें कॉफिन में लाश जो रखा हुआ था उसका भी ले लिया चुपके चुपके। अभी देखो अभी आगे जा रहा हूँ, देखता हूँ और क्या है। तो गाइस गर्मी थोड़ा बढ़ गई थी इसलिए फुल पूरा लगा लिया है। तो हम लोग आ चुके हैं ये दूसरे वाले चर्च में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लिखा हुआ है लेकिन इसका रियल नाम क्या है वो आपको बताता हूँ। ये देखो थोड़ा आगे का व्यू, यही है कुछ ऐसा चर्च है। अब देखते हैं अंदर में इसके क्या सीन है, कितना एंट्री फीस है। मे बी 20 रुपीज़ का एंट्री फी है। थोड़ा म्यूजियम टाइप का अंदर का, पूरा बहुत बहुत पुराने चीज़ें हैं, 1000 साल पुराने, 500 साल पुराने। तो चलो देखते हैं अंदर। तो ये है गाइज आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम, इधर से एंट्री है। चलो चलते हैं। हेलो अंकल, एंट्री किधर से? वे टू द एग्जीबिशन, उधर से चल निकल। तो गाइस ये भैया बोल रहे हैं मूवी से कम नहीं है। कैसे कम नहीं है ये जगह? हाँ मूवी से कम नहीं लग रहा है, मतलब कैसे, किस राह पे आप बोल रहे हैं? मूवी में देखते हैं ना हम लोग, तो सही लग रहा है। क्या देखते हैं? वो जो किसी का घर होता है, एक से एक नंबर। यही इस म्यूजियम में किसी का घर नहीं होता, आप गलत बोल रहे हैं, म्यूजियम में सिर्फ सामान होते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? ये मेरा साइकिल है, मजाक कर रहा हूँ गाइस। चलो अंदर चलते हैं। तो गाइस फुल रिस्ट्रिक्शंस थी अंदर लेकिन फिर भी कैसे कैसे करके थोड़ा बहुत क्लिप निकाला है, देख चुके होंगे। तो उतना कुछ खास नहीं था जितना वो वाला ख़ास था ना, जो टूम था, वहाँ टूम था उसमें वो लाश जो था, तो उसको देख के जो अच्छा लगा वो यहाँ, मतलब पुराना पुराना चीज़ था ठीक है। पोप्स के बारे में था, पोप्स के कैसे एक प्रीस्ट पोप्स बनता है, कितना कब बना था, वही सब है। ठीक है कोई बात नहीं, चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट पर, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको।
तो गाइज हम एक भटकते भटकते सी साइड आ गए और यहाँ पे देखिए सबका कार बाइक लेके उस पार ले जा रहा है। हम लोग नहीं गए क्योंकि थोड़ा सा दिल में डर है बाइक ले जाना, मतलब रिस्क है, इसलिए नहीं जा रहे हैं। देखते हैं बाकी उस पार क्या है, जंगल है, एडवेंचर का कुछ होगा, इसीलिए वो जा रहे हैं। घर भी हो सकता है, ठीक है, घर है जो भी, हाँ मे भी घर होगा। जाओ अलविदा दोस्तों। इट्स अ वेरी थिन रास्ता, गलियों में भटक चुके हैं हम लोग, क्या बस भुला जाना चाहते हैं हम लोग इन सड़कों पे, कोई मैप नहीं, कोई रास्ता नहीं, बस एक गली, लास्ट में भुला जाएंगे तो रोड पे निकल जाएंगे हाईवे। वाओ यार फुल रास्ता जो है अलग वाइब दे रहा है। पाना जी है उधर, उधर वही था जो आप लोग को दिखा चुका हूँ। ये इधर दीवार है, मतलब पोर्ट है जहाँ से कार वोर अंदर जाता है। इस रोड से हम लोग वापस आ गए हैं और इधर वही है जिधर से हम लोग आए थे वास्को की तरफ से, ठीक है। अब आप देखते कहाँ जाते हैं। तो गाइस बारिश स्टार्ट हो चुकी है, हम लोग रास्ते से जा ही रहे थे, बहुत मतलब तूफान आ रहा है, बारिश स्टार्ट होने वाली है, लेकिन एक अच्छा स्पॉट दिख चुका है, ये शेड के नीचे रुक गई थी उधर, तो फिर हम लोग इधर आए पहाड़ की तरफ। थोड़ा कुछ पकौड़ा मिल रहा था, बारिश में पकौड़ा खाने की मज़ा ही अलग है। तो प्याज का पकौड़ा यहाँ बना रहे हैं, चाय भी है, तो सब कुछ अभी खा के हम लोग रास्ते के उस तरफ निकले। तो बारिश और पकौड़ा का अलग ही एक्सपीरियंस, प्लस गोवा माइंड ब्लोइंग, बहुत टेस्टी है। तो आ गए हम लोग, अलग एक सिटी है, स्पॉट है ये इंस्टा स्पॉट। अभी जाएंगे ऊपर, पता चलेगा क्या है इंस्टा स्पॉट, चलिए चलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं फोंटेनास इंस्टा स्पॉट, अब ऊपर चलते हैं। ऊपर जाके है, जल्दी जल्दी ऊपर चलते हैं। तो गाइस इधर से आप व्यू देख सकते हो, पूरा व्यू दिखता है और बाकी उतना कोई रास्ता नहीं है। यहाँ छोटे छोटे घर बने हुए हैं, उसी को इंस्टा स्पॉट बोलते हैं, जहाँ पे लोग बीच में आके फ़ोटो खिंचाते हैं। ऐसा कोई ख़ास जगह नहीं है, बस ठीक है, व्यू अच्छा है, ऊंचा ऊंचा जगह पे है, पहाड़ पे थोड़ा तो अच्छा है। तो यहाँ आना इतना वर्थ इट नहीं है दोस्तों, अगर आ रहे हो तो उतना अवॉइड करना, उतना कुछ खास नहीं है। फ़ोटो वोटो तो कहीं इधर भी खिंचा सकते हो, इतना ऊपर फोंटेनास इंस्टा स्पॉट आने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ अंजुना बीच और उधर चलते हैं, वो लास्ट स्पॉट है आज का, आज वहाँ जाके थोड़ा बहुत देखते हैं कि अंजुना बीच में क्या खास है, तो वहाँ जाके फिर व्लॉग एंड करेंगे आज का, ठीक है, चलते हैं। तो गाइस हेलमेट पहन लिया, अब हम लोग निकल रहे हैं अंजुना बीच की तरफ। पता नहीं वो जो मेरा भाई है वो किधर गया है, वो बोला कि कहीं फ़ोटो खिंचाना है, देखते हैं इधर। तो ये भी अपना व्लॉगिंग कर रहा है, चल आ जा बैठ जा। चलो फिर ठीक है दोस्तों, अंजुना बीच जा रहे हैं, तो अंजुना बीच जाके चलते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अंजुना बीच की तरफ, आंटी गाड़ी रोड पार कर रही है, ठीक है, तो मिलते हैं अंजुना बीच की तरफ।
अब मोबाइल रखना पड़ेगा, लोकेशन देखना पड़ेगा, तभी जा पाऊंगा। चलो ठीक है, बाय। तो गाइस अंजुना भी जा ही रहे थे कि रास्ते में बहुत खूबसूरत चर्च दिख गया, सोचा चलो चलते हैं। ये देखो अच्छा लग रहा है ना, एकदम शांति का माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखते हैं अंदर जाने देते जाते हैं। गाइस अंदर तो नहीं जाने दे रहे हैं, लॉक्ड है, टूरिस्ट के लिए लॉक है। माई बैड, आवाज़ सुन लो। कुछ प्रेयर्स हो रहे हैं लोकल लोगों के लिए, हैं क्रिश्चियन लोग के लिए, टूरिस्ट आर नॉट अलाउड। चलो कोई बात नहीं। तो अब जा रहे हैं अंजुना बीच फिर से वापस, अब डायरेक्ट अंजुना में ही मिलेंगे। मैं आ चुका हूँ अपने घर पे, फ्लैट से एक मिनट कम करो ना। तो आ चुका हूँ, थोड़ा आराम कर रहा था, आराम कर लिया है। अब जो है घर आने के बाद वो जो आरंबोल बीच जो है, अंजुना बीच जो मैंने बोला कि मैं जाऊँगा, वो नहीं जा सकता क्योंकि अभी 20 किलोमीटर दूर है वो, तो चांस नहीं है आज जाने का, थक गया हूँ। तो अभी ऐसे ही थक जाते हो? थक जाता हूँ, लेकिन अब थोड़ा आराम करूँगा, कल जाएंगे, कल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, सो बाय बाय, मिलते हैं कल। ख्याल रखना, सब्सक्राइब कर दो, और भी चीज़ है जो बताऊँगा आपको कल के बाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।